गुजरात में एक पानी पूरी वाला है जो कि काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। फेमस होने की वजह भी है, फेमस होने की वजह यह है कि उनकी शक्ल जो है हूबहू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है। जी हाँ, पानी पूरी एक ऐसा स्ट्रीट फूड होता है जो कि सभी को पसंद होता है। ऊपर से अगर देश के प्रधानमंत्री उसे बेचे, यानी कि उनके हम शक्ल उसे बेचे, तो लोग और भी पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि जब से इनकी वीडियोज वायरल होने लगी है, इनके दुकान पर और भी लोग आने लगे हैं, और ना ही सिर्फ आते हैं, ना ही सिर्फ पानी पूरी खाते हैं, बल्कि सेल्फी भी इनके साथ खूब क्लिक करवाते हैं और खूब बात करते हैं। और अगर हम पानी पूरी वाले के बारे में बात की करें तो ना ही सिर्फ इनकी शक्ल बल्कि इनका लहजा, बात करने का तरीका और इनकी आवाज़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी हद तक मिलती है। जिस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह ही ड्रेसअप करते हैं। तो इनसे हमारे गुजरात के संवाददाता ने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने पूरा गेटअप लिया, लोग उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करने लगे प्रधानमंत्री की तरह से, और ऐसा रिस्पॉन्स जब मिल रहा है तो उन्हें कैसा फील हो रहा है, लोगों का कैसा रिएक्शन आ रहा है, और वो लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इस फेम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ हमारे इस रिपोर्ट में आप जरूर देखिए। प्रॉपर गाँव मेरा जूनागढ़ का और मैं अभी आनंद में हूँ। जी, आप जी मोदी जी के गेटअप में मोदी से जो हूबहू मिलते आ रही है, हूबहू तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूबहू तो मिलना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे है, चेहरे में मिलावट थोड़ी सी है, वो बाकी मेरा गेटअप ऐसा है। और बाकी लोगों की चाह साहब के प्रति ऐसी है कि जहाँ भी देखें उनको साफ सुथरे चाहिए। किस तरह आपने गेटअप मोदी जी का लाए? वैसे मुझे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और ज़्यादा कोई मुझे तकलीफ ही नहीं उठानी पड़ी। थोड़ा चेहरा तो मिलता जुलता था, दाढ़ी भी मुझे पहले से शौक था तो दाढ़ी भी रखता था, प्लास्टिक के फ्रेम के ऐनक पहनता था, उनकी जगह साहब जैसे फ्रेम बनवाए, गोल्डन घड़ी की जगह पे मैंने साहब की जैसे पट्टे वाली घड़ी पहनी और बाकी साहब जैसे कपड़े अपने पहने। बाकी मैंने कोई मेकअप भी नहीं करवाना पड़ा कि नहीं तो मुझे और कोई चेंज करना पड़ा। लोगों की तरफ से कैसा प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा, जो भी लोग मिलते हैं खुश होते हैं, क्योंकि साहब प्रति का जो आदर है उन लोगों के अंदर छलकता है। मुझे देखते तो उन लोगों को अंदर से ऐसा महसूस होता है, साहब की याद ताजी हो जाती है और बहुत हंसी खुशी से प्यार से रिस्पेक्ट से मुझे मिलते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो कैसे लोगों की प्रतिक्रिया होगी? बहुत सारे जगह पे मैं गया हूँ, जैसे दिल्ली में गया हूँ, फिर अपने आगरा भी गया हुआ हूँ, अपने अंबाजी मंदिर भी मैं हर बार जाता हूँ, या अपने उज्जैन में भी जाता हूँ, बीच में मैं हाजी अली की दरगाह बॉम्बे भी गया था, नासिक भी गया था, शिरडी भी गया था, मगर मुझे हर जगह का एक्सपीरियंस एक समान ही है कि मुझे लोग के मुझे देखेंगे लोग तो दुकान में से भी देखते रह जाएंगे, चलते चलते लोग रुक जाएंगे, और उसमें से किसी एक ने हिम्मत करके मेरे पास आके बोला कि आप मोदी जैसे दिख रहे हैं, हमको एक फ़ोटो लेने देंगे। अगर मैंने हाँ बोली कि हाँ भाई, तो एक साथ 25-30 आदमी 50 आदमी खड़े हो जाएंगे और आधा घंटा घंटा तक मुझे फ़ोटो गिरवाना पड़ेगा।